नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जय और आप देख रहे हैं जयस्त न्यूज। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख केस में छानबीन कर रही एजेंसी सीबीआई को लेकर मुंबई हाई कोर्ट की तरफ से एक बहुत ही बड़ी अपडेट आ रही है। जैसा कि आप सबको पता है कि सीबीआई की टीम ने जब से अनिल देशमुख के खिलाफ में FIR दर्ज किया है, उसके बाद आगे कुछ भी इन्वेस्टिगेशन नहीं कर पाई और उसके पीछे का कुछ रीजन है। जैसे कि जितने भी डॉक्यूमेंट सीबीआई की टीम के द्वारा मांगा गया था महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एक भी डॉक्यूमेंट आज तक नहीं शेयर किया। उसके बाद सीबीआई की टीम जो है कोर्ट पहुंची थी मुंबई हाई कोर्ट, वहां से भी बोला गया था उद्धव ठाकरे गवर्नमेंट को कि जल्द से जल्द सारे डॉक्यूमेंट जो है प्रोवाइड किया जाए, लेकिन उसके बावजूद भी कोई भी डॉक्यूमेंट प्रोवाइड नहीं किए गए। उसके बाद जो है मुंबई हाई कोर्ट ने उद्धव ठाकरे को सीधा सीधा बोला था कि इसमें जो है वो हस्तक्षेप करें और किसी भी तरीके से जो भी डॉक्यूमेंट चाहिए सीबीआई को वो प्रोवाइड करें, या इससे रिलेटेड जो भी सोल्यूशन निकल पाए उसको किसी तरह से इसको जो है इस प्रॉब्लम को पूरी तरह से सॉल्व करें। जिसके बाद कल जो है इस केस पे फिर से मुंबई हाई कोर्ट में सुनवाई हुई, जहां पर महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से सीनियर काउंसिल रफीक दादा जो है कोर्ट में अपीयर हुए, मुंबई हाई कोर्ट के सामने अपीयर हुए, जहां पर उनके द्वारा सीधा सीधा एक बहुत ही बड़ा स्टेटमेंट दिया गया, जहां पर उन्होंने सीधा सीधा बोला कि हम जो है इस मामले को बहुत ही शांतिपूर्वक से निपटाना चाहते हैं। मतलब कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट और सीबीआई के बीच में जो पिछले कुछ टाइम से ठनी पड़ी हुई है उसको वो बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व करना चाहते हैं और इसके लिए उनको थोड़ा सा टाइम चाहिए, तो इसके लिए उन्हें जो है टाइम दिया जाए और वो जो है सीबीआई के जो सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह हैं उनसे बात करना चाहते हैं। मतलब कि उनसे एक मीटिंग करना चाहते हैं और उनसे मीटिंग करने के बाद जो भी मामला होगा, मतलब कि डॉक्यूमेंट शेयर करने को लेकर, वो सारा का सारा उनसे बात करेंगे, उसके बाद ही आगे की कोई भी कार्रवाई की जाएगी। मतलब कि इनके द्वारा सीधा सीधा बोल दिया गया है कि वो जो है अनिल सिंह से, जो कि सीबीआई के एडिशनल सॉलिसिटर जनरल हैं, तो सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह के साथ में ये जो है बात करेंगे, एक मीटिंग करेंगे, उसके बाद ही कोई भी अपडेट देंगे कि जो भी डॉक्यूमेंट है जो कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट से सीबीआई के द्वारा मांगा जा रहा है उसको शेयर करेंगे या नहीं करेंगे। साथ में ही आपको बता दूं कि जिसके बाद कोर्ट ने, मुंबई हाई कोर्ट ने भी इनको एक दिन का, मतलब कि आज तक का टाइम दिया है। कल जो है इस केस पे फिर से सुनवाई होगी और वहां पर इनको बताना पड़ेगा कि आखिरकार मेन बातचीत करने के बाद फाइनल डिसीजन के द्वारा क्या लिया गया, और कल जो है इनको ये भी बताना पड़ेगा कि मुंबई हाई कोर्ट के जो फैसला सुनाया गया था कि सारे के सारे डॉक्यूमेंट जो है वो शेयर किया जाना चाहिए सीबीआई के साथ में, उसको वो शेयर करेंगे या नहीं करेंगे। आपका क्या ओपिनियन है, आप अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ में अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें।